हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एसेंट टू रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में कि एसेंट टू रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से होता है। उससे पहले हम एसेंट टू रिएक्शन के कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टू। दैट मीन्स रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? रिएक्शन का ऑर्डर होगा टू। दैट मीन्स जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट के ऊपर। दैट मींस एसेंट टू रिएक्शन में जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? सबस्ट्रेट के कंसेंट्रेशन एज वेल एज कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। और यहां पर इनकी पावर आएगी वन, एंड वन प्लस वन इज टू। दैट मींस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? टू। नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज टू। रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी भी बच्चों टू है। दैट मींस रिएक्शन क्या है? बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन है। देखो कैसे हुई बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन, टू मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया है, या सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल भी पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में और रिएजेंट का मॉलिक्यूल भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है सिंगल स्टेप में, जबकि SN1 रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी टू स्टेप्स में, लेकिन ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। यहां पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है और उसकी एनर्जी क्या है? हाई एनर्जी है। जबकि SN1 में क्या होता था बच्चों? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता था और टू स्टेप्स में वो रिएक्शन कंप्लीट होती थी। नेक्स्ट, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ऑब्वियस है, अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता तो रीअरेंजमेंट होता। यहाँ पर किसी भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर यूज्ड। यहाँ पर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज्ड होते हैं। क्या होते हैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स? वो सॉल्वेंट्स जिनमें पोलैरिटी तो जनरेट होगी लेकिन वो क्या प्रोटॉन नहीं देंगे, यानी एच पॉजिटिव आयन नहीं देंगे। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। देखो पोलैरिटी जनरेट हो रही है लेकिन ये एच पॉजिटिव आयन मीडियम में नहीं दे रहे हैं। सेम यही वहां पे देखो, ऑक्सीजन नेगेटिव, सल्फर पॉजिटिव, पोलैरिटी यानी पोल्स का जनरेशन हो रहा है बट प्रोटॉन्स नहीं दे रहे। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे एग्जांपल्स हैं जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के हैं। नेक्स्ट, द वेरी एंड वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाल्डन इन्वर्जन अकर्स। देखो जब भी कभी भी एसेंट टू रिएक्शन होगी तो वाल्डन इन्वर्जन होगी, बट इन्वर्जन इन कॉन्फिग्रेशन मे और मे नॉट बी अकर। वाल्डन इन्वर्जन तो होगी लेकिन इन्वर्जन इन कॉन्फिग्रेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दैट मीन्स व्हाट इज वाल्डन इन्वर्जन? वाल्डन इन्वर्जन इज चेंज इन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, चेंज इन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, जबकि इन्वर्जन इन कॉन्फिग्रेशन में क्या होता था? ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती थी, आर फॉर्म एस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती थी या एस फॉर्म आर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती थी। तो जब भी कभी भी SN2 रिएक्शन होगी तो हमेशा वाल्डन इन्वर्जन होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वहां पे इन्वर्जन इन कॉन्फिग्रेशन हो। नेक्स्ट पॉइंट, SN2 रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर का क्या मतलब होगा? स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब है बच्चों के स्पेसिफिक कंपाउंड का ही फॉर्मेशन होगा। जब हमने SN1 रिएक्शन पढ़ी थी तो SN1 रिएक्शंस आर स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, यानी एक से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता था और फिर हम डिसाइड करते थे कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है या कौन सा माइनर है। दैट मीन्स हम अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या होगा? एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन होगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन,
SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। देखो सबसे पहले मैं एक एल्किल हैलाइड लेता हूं, लाइक मैंने एग्जांपल लिया मेरा एक एल्किल हैलाइड, दिस इज माय एल्किल हैलाइड। अब जैसे ही मैं यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ पोलर ए प्रोटिक मीडियम लाइक DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, द फुल फॉर्म ऑफ DMSO इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तो होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, ध्यान से देखो, हेलोजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा जबकि कार्बन के पास बच्चों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अगर कार्बन पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है यानी अब इसके पास एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट जनरेट हो गई है, अगर इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक साइट जनरेट हो गई है तो अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर अटैक करेगा। लेकिन कैसे अटैक करेगा, देखो हमेशा एक बात याद रखो, हम जितने भी मैकेनिज्म पढ़ते हैं वहां पे हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के रिस्पेक्ट में। कैसे, मैं आपको बताता हूं, अगर मेरा ये कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6। यानी अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी कॉन्फिगरेशन लिखता हूं तो क्या होगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड नाउ सिग्मा स्टार 2s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब कार्बन का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल्ड है लेकिन कार्बन का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। यहां पे अगर मैं बनाना चाहूं कार्बन का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, तो देखो दिस इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, और इसी के अपोजिट में क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो ऑलरेडी फिल्ड है तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, और इसी अटैक को हम लोग बोलते हैं बैक साइड अटैक। तो यहां पर बैकसाइड अटैक क्यों हुआ इस चीज को जानो, क्योंकि यहां पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट था और एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, बॉन्डिंग के अपोजिट में होगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहां से आएगा और यहां पर आ जाएगा और एक स्टेट का फॉर्मेशन होगा जिसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट, कार्बन हाइड्रोजन 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 एक्स एंड NU। देखो हेलोजन पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड न्यूक्लियोफाइल पे भी बच्चों पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। जरा ध्यान से देखो, आपने आज तक क्या पढ़ा है कि कार्बन सिर्फ टेट्रावेलेंट होता है यानी टेट्रावेलेंसी शो करता है मैक्सिमम, लेकिन यहां पर कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट ही एक ऐसी स्टेट होती है जहां पे कार्बन पेंटावेलेंसी शो करता है। तो ये क्या है, यहाँ पे पेंटावेलेंट, तो यहां पे कार्बन पेंटावेलेंट है। एक चीज और, यहां पर न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकडाउन, और जब भी कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होता है या बॉन्ड ब्रेकडाउन हो रहा होता है तो हमेशा याद रखो आपको उस टाइम हाइब्रिडाइजेशन में उन बॉन्ड्स को काउंट नहीं करना है। दैट मींस अगर यहां पे मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो यहां पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लग क्या रहा है, sp3 dehybridization हमें लग रही है लेकिन होगी क्या, sp2। क्यों, क्योंकि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकडाउन होते हैं तो हम उनको कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते क्योंकि ना ही वो कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड है और ना ही वो कंप्लीट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये कभी भी काउंट नहीं होंगे। अब इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा और अब स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा,
H, H and H, तो दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, यानी रिएक्टेंट वाले स्ट्रक्चर की बात करूं, तो कार्बन, हेलोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इस तरह की ज्योमेट्री थी। लेकिन यहां पे क्या हुआ, ज्योमेट्री चेंज हो गई है ना। यही होता है वोल्डन इन्वर्जन। ये था हमारा सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट क्या हुआ, इन्वर्स होके यहां पे हो गई है वोल्डन इन्वर्जन, यानी ज्योमेट्री चेंज हो गई है यहां पर। जरा बताओ क्या यहाँ पे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होता है? यहाँ पे काइरल कार्बन प्रेजेंट हो, यहाँ पे कोई काइरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे भी कोई काइरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे वोल्डन इन्वर्जन हो रही है, बट इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रही। इस बात को हमेशा याद रखना है। अब बात करते हैं कि अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट को यूज करेंगे तो क्या होगा, यानी इफ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट इज यूज्ड, सबस्ट्रेट इज यूज्ड, अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट को बच्चों यूज करेंगे तो क्या होगा। देखो आप सबको पता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसके पास काइरल कार्बन होना चाहिए, प्लस उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। तो कभी भी आप किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल को पहचानोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि क्या उसके पास काइरल कार्बन है, क्या उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। वहीं से आप ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट को पहचानोगे। क्या होते हैं काइरल कार्बन? काइरल कार्बन्स आर दोस कार्बन्स हुज ऑल द फोर वैलेंसीज आर डिफरेंट, जिसकी चारों की चारों वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट हो। लाइक अगर मैं बोल रहा हूं एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, देखो इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है, दैट मीन्स दिस कार्बन इज काइरल कार्बन। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से मैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सट्रेट को यूज करूंगा। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, लाइक मैंने बोला एक्स, एक्स इज हेलोजन, यहां पर मैं ले रहा हूं एच, यहां पे मैंने ले लिया सी एस थ्री, एंड यहां पे मैं यूज कर रहा हूं डी, यानी ड्यूटेरियम द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अब होगा क्या, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा इन पोलर ए प्रोटिक मीडियम, यानी लाइक एसीटोन पोलर ए प्रोटिक मीडियम, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अगेन फिर से बैक साइड अटैक करेगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा, आपकी ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी, कार्बन और यहां पर न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा आपका यहां पर X लग जाएगा, दोनों पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएंगे, और CH3 D एंड H ये आ जाएगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट, जिसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी होती है। नाउ अब ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, और इस न्यूक्लियोफाइल के ऐड होने की वजह से ये जो CH3 मॉलिक्यूल है इसमें रिपल्शन होगी और CH3 मॉलिक्यूल उस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, एंड द स्ट्रक्चर इज NuC, यहां पर H, यहां पर CH3 एंड यहां पर D, ये आपका स्ट्रक्चर यानी आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। जरा देखो हम लोग यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी में के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। देखो प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा हम हेलोजन को दे रहे हैं अभी, देन कौन आएगा, कार्बन आएगा सेकेंड, देन कौन आएगा थर्ड, ये आएगा। जो भी एटम
का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है उसको हम सबसे लो प्रायोरिटी कंसीडर करते हैं और उसको डेस पोजीशन पे रखते हैं और हम उसको कभी भी काउंट नहीं करते हैं। तो अगर मैं रोटेशन कराऊं तो रोटेशन कैसे होगी, देखो साहब, रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज एस फॉर्म, या आप इसको प्यार से बोल सकते हो स्मॉल एल फॉर्म। स्मॉल एल मतलब लीवो रोटेटरी। अगर मैं यहां कॉन्फिगरेशन की बात करूं तो यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी न्यूक्लियोफाइल, सेकंड प्रायोरिटी CS3, थर्ड प्रायोरिटी ड्यूटेरियम एंड फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन, जिसको मैं काउंट ही नहीं करूंगा। हमेशा याद रखो, लास्ट प्रायोरिटी को ना आप नंबरिंग दोगे और ना ही काउंट करोगे। प्रायोरिटी मैंने ऑलरेडी बता चुकी है, आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देखोगे, और अगर दो आइसोटोप्स प्रेजेंट है तो वहां पे अब आप एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग देखोगे कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, एंड जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा, व्हेन आइसोटोप्स आर गिवन। तो चलो यहाँ रोटेशन देखते हैं बच्चों, 1 2 3, यानी रोटेशन इज क्लॉकवाइज, दैट इज आर फॉर्म, और आप क्या बोल सकते हो, स्मॉल डी फॉर्म भी बोल सकते हो। तो अब क्या हुआ, एस फॉर्म से क्या बन रहा है, एस फॉर्म से बन रही है आर फॉर्म। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। तो याद रखना, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन कब होगी, जब ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है तो वहां इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन नहीं होगी, वहां पे सिर्फ वॉल्डन इन्वर्जन होगी। तो देखो यहाँ पे वॉल्डन इन्वर्जन भी हो रही है और इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन भी हो रही है, जबकि पिछले वाले एग्जाम्पल में, जो इससे पिछला एग्जाम्पल मैंने कराया था, वहां पर क्या हो रहा था, सिर्फ वॉल्डन इन्वर्जन हो रही थी, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन नहीं हो रही थी। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की और बात करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, लाइक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज CX, H, H, and H। एग्जाम्पल नंबर टू इज CH3, H, H, and X। एग्जाम्पल नंबर थर्ड इज CX, H, CH3, and CH3। एंड द एग्जाम्पल नंबर फोर्थ इज CX, CH3, CH3, and CH3। बच्चों, दिस इज मिथाइल हैलाइड, दिस इज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, दिस इज 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, एंड दिस इज 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो दिस इज मिथाइल हैलाइड, दिस इज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, दिस इज 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, एंड दिस इज 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो यहां पे मैंने तीनों एल्किल हैलाइड बना दिए। अब अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करता हूं, तो इन तीनों में जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक करा रहा हूं मैं, तो जरा देखो साथ मिलकर अटैक कराते हैं। यहां पर इस हाइड्रोजन को मैं थोड़ा सा स्लाइटली नीचे लगाकर यहां पर एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा हूं, यहां पे भी एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड CS3, यहां पे भी एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड यहां पे भी एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज ऑल्सो ABMO, दिस इज ऑल्सो ABMO, एंड दिस इज ऑल्सो ABMO, एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहां बैक साइड से इजिली अटैक करेगा और स्ट्रक्चर क्या बना देगा, NUC, H, H, and H, ये स्ट्रक्चर बना देगा। जब सेकेंड वाले एग्जाम्पल में न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो देखो यहाँ पे CS3 ग्रुप है, तो CS3 क्या है, बल्की ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक तो करेगा लेकिन इतना प्रॉपर अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस आ जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक तो करेगा, यानी अटैक तो बैक साइड ही करेगा लेकिन लेस एफिशिएंसी से करेगा एज कंपेयर टू एग्जांपल नंबर फर्स्ट। और स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, NUC और CH3, CS3, H and H, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा।
नाउ थर्ड में देखो दो CH3 ग्रुप आ रहे हैं, यानी और भी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आ रही है। आप सबको पता है स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब साथ वालों का डर। अब जब ये दोनों बल्की ग्रुप साथ में है तो ये न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे इजिली अटैक नहीं करने देंगे, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पे अटैक कर देगा। एंड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NuCCH3CH3H, लाइक दिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में 1, 2 और 3 बल्की ग्रुप है, तो ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक ही नहीं करने देंगे। वो क्या करेंगे, इस एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हाइड कर लेंगे, और जब ये एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हाइड कर लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं दे पाएगा। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देता। तो सबसे एफिशिएंटली SN2 रिएक्शन कौन देगा, मिथाइल हैलाइड, देन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन, तो वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेरिक हिंड्रेंस की। तो अगर मैं बात करता हूं रिएक्टिविटी ऑफ टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के। तो एक बात हमेशा याद रखना है, ये बात कि रिएक्टिविटी ऑफ टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसी वजह से अगर मैं मिथाइल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात करता हूं, तो यहां पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, मिथाइल हैलाइड, देन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड मिथाइल हैलाइड, देन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड देन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ सबस्ट्रेट टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन। अब एक बात और बात करते हैं, अगर मैं एल्किल हैलाइड में हेलोजन ग्रुप को डिफरेंट कर दूंगा, लाइक मैंने एग्जांपल बोला कि मैं RF, RCl, RBr और RI के बारे में बात कर रहा हूं, तो इनमें कौन सा सबस्ट्रेट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एल्किल आयोडाइड, देन एल्किल ब्रोमाइड, देन एल्किल क्लोराइड, देन एल्किल फ्लोराइड। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप आई को तोड़ोगे तो आई नेगेटिव बॉन्ड बनेगा, आई नेगेटिव मॉलिक्यूल बनेगा, और आई नेगेटिव इज मोर स्टेबल, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव ऑन लार्ज साइज इज मोर स्टेबल, है ना, इन ग्रुप, हम लोग ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप में नेगेटिव लार्ज साइज पे क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि यहाँ पे जो एफ नेगेटिव बनता वो नेगेटिव ऑन स्मॉल साइज होता, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो जो लेस स्टेबल एफ नेगेटिव है तो वो टूटना क्यों चाहेगा, वो बॉन्ड ब्रेक करना ही नहीं चाहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर आई नेगेटिव यानी मोर स्टेबल न्यूक्लियोफाइल यानी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पर क्या होगा, वो इजिली अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा और इजिली रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन पार्ट के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN2 रिएक्शन। तो अगर मैं SN2 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊंगा, यानी फ्री एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में कर्व बनाऊंगा, तो मेरा ग्राफ बनेगा लाइक दिस। देखो यहाँ पे सिर्फ सिंगल पीक बन रही है, यानी ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, तो यहाँ पे सिंगल पीक बन रही है, और सिंगल पीक कहाँ पे बनेगी, सिंगल पीक का मतलब क्या है, देखो ये एनर्जी है ना, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ET stands for threshold energy, तो threshold energy ज्यादा है, कौन सी energy ज्यादा है, threshold energy, इसका मतलब
इस पॉइंट पर, इस पीक पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। सिंगल स्टेप है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इसका मतलब क्या है? ये SN2 का डायग्राम है। अगर मैं SN1 की बात करता तो SN1 में दो या दो से ज्यादा पीक बनती है, जिसमें हाईएस्ट पीक को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से डिनोट करते हैं, यानी स्लो स्टेप से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल पीक का फॉर्मेशन होगा बच्चों। और देखो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। और हमेशा रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। दैट मीन्स प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। तो ये था बच्चों हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN2 रिएक्शन। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं।